जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के एक विषय की, भूगोल के एक टॉपिक की जो सामान्यतः बहुत सामान्य है लेकिन एक ट्रिक के अनुसार और मानचित्र के अनुसार हम उसे सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा जिसे 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाता है, वो भारत में गुजरात राज्य से प्रवेश करती है और मिजोरम राज्य तक 8 राज्यों की यात्रा करते हुए गुजरती है। उसको हमने सरल तरीके से बताने के लिए ये प्रयास किया। देखें हम कि सबसे पहले कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, ये गुजरात राज्य से प्रवेश करती है और गुजरात राज्य से होते होते थोड़ी सी राजस्थान से होकर जाती है। राजस्थान के बाद ये सबसे लंबी यात्रा मध्य प्रदेश में करती है। मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ राज्य से भी ये गुजरती है, झारखंड से ये गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, यूपी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि विकल्पों में यूपी और बिहार का नाम भी आएगा। और फिर झारखंड से होते होते पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भी जाती है। याद रखना कि बांग्लादेश भी जाती है और फिर बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा और त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम में इसका अंत हो जाता है। तो ध्यान रखना, हम उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गुजरात से लगा हुआ राजस्थान, राजस्थान से लगा हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ झारखंड और झारखंड से लगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश और उसी से लगा त्रिपुरा और अंत में मिजोरम। तो इस तरीके से अभी हम याद कर सकते हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। कुल राज्यों की संख्या है 8। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लंबाई है और सबसे कम लंबाई है त्रिपुरा में। अगर ऐसे ना बने तो एक फॉर्मूला भी है दोस्तों आसान करने के लिए, और वो फॉर्मूला है गुराम मित्र छाछवी। हालांकि उसमें क्रम थोड़ा कम हो जाता है, क्रम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आपके राज्य गलत नहीं होंगे। अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो कभी भी आपके विकल्पों में, प्रश्नों में ये राज्य का कहते हैं नाम गलत नहीं होगा। गोराम मित्र छाछ पी, चाय ना पी, दूध ना पी, लस्सी ना पी, क्या पी, छाछ पी। ध्यान रखना, गोराम मित्र छाछ पी। तो गोराम मित्र छाछ पी ले, अच्छे मित्र आके छाछ पी ले। तो गुराम मतलब बोले तो गुजरात, रा बोले तो राजस्थान, मा बोले तो मध्य प्रदेश, लिखा भी है हमने, और मी बोले तो मिजोरम, और त्रा बोले तो त्रिपुरा, और छा बोले तो छत्तीसगढ़, झा बोले तो झारखंड, और पी बोले तो पश्चिम बंगाल। तो इसको हम गुराम मित्र छाछ पी से भी समाधान इसका कर सकते हैं। भूगोल की ऐसी ही समस्याओं को हम मानचित्र के माध्यम से, और मानचित्र नहीं तो हम ट्रिक के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए, सरल समाधान के लिए ज़रूर जुड़ें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।